हाय, कैसे आप सब? मैं हूँ अंकिता मयंक शर्मा और आज से पहले आपने मुझे बहुत सारे डेली सोप्स में देखा होगा, अलग अलग किरदार निभाते हुए। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ अंकिता हूँ, अंकिता मयंक शर्मा। मैं अपनी लाइफ की एक नई जर्नी आप सबके साथ शुरू करने वाली हूँ और जैसे आपने मेरे हर किरदार को प्यार दिया है, वैसा ही प्यार मैं अपनी इस जर्नी में भी चाहती हूँ आप लोगों से। वैसा ही प्यार और वैसा ही सपोर्ट। तो वैसे मुझे व्लॉग बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ भी मैं कुछ ऐसे सोच के नहीं बोल रही हूँ, बस जो दिल से आ रहा है वो बोल रही हूँ। अपने व्लॉग की मैं जो शुरुआत करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ किचन से, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है ना जहाँ मुझे लगता है कि हर कोई इंजॉय करता है खाना, मतलब सबको बहुत पसंद होता है। तो आज मैं आप सबके साथ बनाने वाली हूँ दाल मखनी। दाल मखनी की क्विक रेसिपी मैं आपको बताऊंगी और चलिए ज्यादा देर नहीं करते और बनाते हैं दाल मखनी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं काली उड़द की दाल और बहुत जगह इसको माँ की दाल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें माँ के हाथ का प्यार होता है। तो सबसे पहले मैंने ये दाल में थोड़े से राजमा भी डाली है फ्लेवर के लिए। दाल मखनी में जैसे फ्लेवर के लिए डलता है राजमा, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है दाल के साथ मिक्स होके। तो ये जैसे मैंने काली उड़द की दाल और राजमा को अच्छे से वॉश कर लिया है, थोड़ा सा भिगा के भी रखा है और अब हम इसे करेंगे बॉईल। तो हमने गैस चला ली, अब हमें बॉईल करने के लिए चाहिए थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा सा गार्लिक। हम मोटा मोटा इसमें इसके साथ नमक डाल के बॉईल करेंगे। तो ये है हमारा जिंजर और गार्लिक, इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसमें साबुत ही जिंजर गार्लिक थोड़ा मोटा मोटा इसमें डालेंगे ताकि हमारी दाल का फ्लेवर और अमेजिंग हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे दाल। और इसमें अब हम डालेंगे पानी। पानी आप अपने अंदाज से। तो खुशबू आ रही है और इसमें दो सीटी लग चुकी है। अब मैं गैस बंद करूंगी क्योंकि वहां पर पंचुल है, मेरा छोटू सा बेबी, और वो खाना खा रहा है। तो अभी हम उसके पास चलते हैं क्योंकि उसको खाना जब वो खाता है तो उसको अपनी मम्मा याद आती है। मामा 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 मामा। तो पंशुल जी अपना लंच कर रहे हैं क्योंकि ये उसका लंच टाइम है और मैं उसको नहीं खिला रही हूँ तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है। तो मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ क्योंकि मैं पंशुल को खाना खिला देती हूँ, फिर बात करती हूँ। अपनी दाल के पास, अपनी माँ की दाल के पास, और माँ की दाल का कुकर अब हम खोलेंगे और दो सीटी के बाद आप देखेंगे कि ये दाल कुछ ऐसी है, इंटरेस्टिंग सी। तो अब हम इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे और इसमें हम डालेंगे फ्रेश बढ़िया सी क्रीम।
तो हम इसमें डालेंगे क्रीम, हमने डाली इसमें क्रीम और अब हम आपने देखा था मैंने कितनी दाल ली थी और उस दाल में ये इतना छोटा वाला आप क्रीम डाल सकते हैं और अब हमें इसे वापस से विसल लगानी है। जी हाँ, हमें इसे वापस से विसल लगानी है। तो हमारी चार सीटियां कंप्लीट हो चुकी हैं और जल्दी कुकर खोलना है, इसके लिए मुझे इस कुकर को टैप के नीचे थोड़ा सा रखना पड़ेगा ताकि हमारी ये जो सीटी है जल्दी से खुल जाए, कुकर जल्दी से खुल जाए तभी तो झटपट बनेगी दाल मखनी। तो खुशबू आ रही है, ये देखो। तो इस समय आपकी ये दाल कुछ कुछ ऐसी होगी। हमारे अनियंस और टमेटोज मैं चॉप कर चुकी हूं और अब हमें लगाना है तड़का। तो अब हम अपनी दाल को पहले एक पतीले में शिफ्ट करेंगे। तो हम एक पतीले में शिफ्ट करेंगे दाल को और इसी कुकर में हम बनाएंगे ताकि वो जो क्रीम है इसमें वो हमारे तड़के में अच्छे से अपना टेस्ट छोड़ दे। तो ये हम ओके, सो हमारा जो ये प्याज है ये हल्का हल्का सा पिंक होना स्टार्ट हो चुका है ऐसे, और ये बिल्कुल राइट टाइम है कि हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाले। मेरे पास घर का अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी नहीं है इसलिए मैं मार्केट का रेडीमेड जो जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है वो डाल रही हूँ। तो हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट में आप प्लीज कोई कंजूसी मत करना क्योंकि दाल मखनी में जिंजर गार्लिक पेस्ट का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हमने डाला जिंजर गार्लिक, अब अच्छे से भूनेंगे। डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी। हल्दी हर खाने में डालनी चाहिए क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है, बहुत सारी चीजों से हमारी बॉडी को इम्यून करती है। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें, एक मिनट आपसे बात करने के चक्कर में मेरी हल्दी जल रही है, एक सेकेंड। जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भून गया है। आई विश आप लोगों को भी खुशबू आ पाती लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, उसमें से घी अलग हो चुका है और ओके
ये मसाला जो भून गया है इसमें हम इसको हम 2 मिनट के लिए थोड़ी तेज गैस पे अच्छे से और चला लेंगे। फटाफट से दाल हमारी बस ऑलमोस्ट रेडी है, अब बस दाल इसमें डालना है, बिसल लगाना है और उसके बाद हम तैयारी करेंगे चावल की, क्योंकि दाल मखनी और राइस की बात ही अलग है। तो मैं चावल बनाने के लिए पीतल का बर्तन यूज करती हूँ और इसके अंदर कलाई किया हुआ है। बहुत लोगों को पता नहीं, पता होगा या नहीं, लेकिन हमारे गाँव में आज भी पीतल में खाना बनता है, क्योंकि कहते हैं कि पीतल में बना हुआ चावल बहुत अच्छा होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है आपके लिए। तो मैंने ये पीतल का एक पतीला रखा हुआ है, उसमें कलाई किया हुआ, इसमें मैं अपना चावल बनाती हूँ ताकि हम सबको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल सके। और बड़ा अच्छा, हमारी दाल मखनी रेडी हो चुकी है अब, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी में मैं लास्ट का जो इसके स्टेप्स थे वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जब आपकी ये सीटी आप पूरा लगा लें तड़के के बाद, तो जब आपका कुकर खुलेगा, कुकर खुलने के बाद आपने इसमें बटर डालना है। घर का बटर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप बाहर से मंगा के भी बटर डाल सकते हैं। तो वो बटर डालना है, थोड़ा सा देसी घी डालना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी को अच्छे से ऐसे हाथ पर रब करके आपको इसमें डालना है, और लास्ट का एक चीज है जो है गरम मसाला। यस, गरम मसाला आपको मसाले में नहीं डालना, तड़के में नहीं लगाना, इस दाल के ऊपर चुटकी भर गरम मसाला आपको सिर्फ एक फ्रेग्रेंस के लिए डालना है। तो हमारी दाल मखनी अब बिल्कुल अच्छी से रेडी हो चुकी है, लंच का टाइम भी हो चुका है, लंच टाइम थोड़ा सा ज्यादा जल्दी जल्दी भाग रहा है और मैं भी जल्दी जल्दी भागूंगी अब, क्योंकि मेरा राइस रेडी है, दाल रेडी है, सब लोग खाने का वेट कर रहे हैं। तो बस अभी हमें खाना सर्व करना है, मैं जल्दी से सर्व करके आपको एक फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये हमारी दाल मखनी रेडी हो चुकी है, गरम 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 उसमें से भाप भी निकल रही है, और मैंने मेरी दाल मखनी रेडी कर ली है, मेरा राइस भी रेडी हो चुका है, सैलेड भी कट हो चुका है। अब आपसे मैंने ये रेसिपी शेयर की है, तो आप लोग भी अपने घर पे बनाइए ऐसे दाल मखनी और टेस्ट करके मुझे बताइए कि आपकी दाल मखनी कैसे बनी, और हम जल्दी से आपसे खाना खा के मिलते हैं, ठीक है। सो हमारा लंच हो चुका है, हमारा डिनर भी हो चुका है, सबने दाल मखनी बहुत इंजॉय करी, और अब मुझे ब्लॉग को एंड करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, लेकिन अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको अगर मेरे ब्लॉग में कोई भी कंटेंट ऐसा देखना है जो आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मुझे थोड़ा एडवाइस भी कीजिए कि मैं क्या क्या चेंजेस अपने ब्लॉग में कर सकती हूँ, या किस चीज़ का ब्लॉग बना सकती हूँ, या आप लोग के साथ मैं किस टॉपिक पर इंटरेक्ट कर सकती हूँ। ये सब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर।